कुकिंग में स्वागत है गाइस। तो अंडा कढ़ी बन रहा है, तो तेल में जीरा डाल दिया गया है। अब जीरा सिटकने के बाद उसमें लहसुन और प्याज और सब चीज़ दे के भूनेंगे। प्याज रोस्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा प्याज, तो अभी इसमें मसाला डलेगा। तो अभी देखिए प्याज भून चुका है, अब इसमें मसाला डलेगा। तो एक आदमी के लिए बन रहा है 3 गो अंडा। देखिए 3 गो अंडा जो उबालने वाला है लाइन में, लाइन वाला है जो बहुत आराम से उबल जाता है। इसमें फिर सारे मसाले, सूखा मसाला, टमाटर, जीरा पाउडर, गोकी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर सब डाल के और फिर इसको भूनना है 10 मिनट तक, जब तक तेल ना छोड़े मसाला, जब तक भूनते रहिए। भुजा रहा है बढ़िया से, मसाला भून चुका है, अब तेल छोड़ने लगा है। तो थोड़ा सा पानी देके और उसको फिर से इसमें मैगी मसाला डाल रही है। मैगी मसाला डालने से बहुत अलग टेस्ट हो जाता है। और इधर अलग तवा पर ही भूज के और अंडा फिर डाल दी उसमें, और अंडा डाल के भून जाएगा। तो हम नहीं खाते हैं मीट मछली अंडा, तो हम छूते भी नहीं है। तो मेरी बेटी बना रही है, तो हम सिर्फ आवाज दे रहे हैं। कुकिंग मेरी बेटी कर रही है। देखिए हो चुका है, मसाला भी पक गया, अंडा भी पक गया, और देखिए टेस्टी बन गया है, बहुत ही टेस्टी अंडा कढ़ी। तो 3 अंडा एक आदमी के लिए, यही अकेले खाएगी। तो अगर अच्छा लगता है तो बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत इजी तरीका था बनाने का, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, आराम से बन जाता है। तो उसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, परोठा के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ खाइए, अच्छा लगेगा। और बनाइए भी, तो सूखा अंडा कढ़ी है ये, ग्रेवी वाला नहीं है, सूखा अंडा कढ़ी बनाइए। तो थैंक यू गाइज, पसंद आएगा तो बनाइएगा।